जल जाती है तेल की वजह से, वही इधर दिखाता है कि उसके आंख में भी होती है प्रॉब्लम। वो इधर दिखाता है कि आशिमा का बहुत हालत खराब हो जाता है क्योंकि वो जब आंख में आई ड्रॉप डालती है तो उसको अजीब टाइप का लगता है और वो भागती है अरमान के पास और सभी घर वालों के पास। वही इधर दिखाते हैं कि अरमान साथ के साथ लेके जाता है उसको हॉस्पिटल। वही इधर डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने जो आशिमा को आई ड्रॉप्स दिया था उससे ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की होगी या इसका कोई रिएक्शन हो सकता है। तो वही इधर एकम भी आ जाता है, बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का पूरा तरीके से जांच हो, यानी कि रिपोर्ट करवाया जाए, उसका मेडिकल टेस्ट हो, सब करवाया जाए। तो क्या दोस्तों इसमें क्या आलिया का पता कट जाएगा, यानी कि आलिया का भेस खुल जाएगा और पता चल पाएगा सभी घर वालों को कि आई ड्रॉप चेंज करने वाला आलिया के सिवा और कोई नहीं है, मतलब आलिया ने चेंज किया है और किसी ने नहीं। वही क्या आशिमा और अरमान इस वजह से, इस कारण से आएंगे करीब और आलिया जलेगी और कुछ करेगी, नया हरकत का प्लान, यानी कि कोई नया चाल चलेगी। सो दोस्तों देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा और अपना व्यूज बताइएगा अरमान अच्छे या आसमान। जब तक लिए थैंक यू।